पब्लिक का मान जाए, उस समय बिजली विभाग वाला मर गया है। लिए नंबर इंजीनियर साहब थे, इंजीनियर को बुलाया जाए तब ये कुछ होगा। भीषण गर्मी में लाइन सही रूप से ना देने की वजह से कटिहार के भगवान चौक पर कुछ लोगों द्वारा आगजनी की गई, रास्ता जाम किया गया, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। अत्यधिक धूप के कारण लोगों की हालत खराब हो रही थी और लोग धूप में रास्ते पर खड़े थे और रास्ता खाली होने का इंतजार कर रहे थे। आज सुबह कटिहार के भगवानपुर चौक पे लगभग 8 बजे यह रास्ता जाम किया गया और लगभग 3 घंटे तक यह जाम चला। इतनी गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि सही रूप से लाइट नहीं दिया जा रहा है और लाइट करने के बाद कॉल करने पर नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। रात में लाइन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। रात में फोन करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर रहता है पहला, और दूसरी बात क्या, किसी को भी कोई मिस्त्री आता है यहाँ से 400 रुपया लेके जाता है, फ्री में कोई काम नहीं होता। बिजली भी कई दिन से ऐसा हो रहा है, ऐसा महीनों चल रहा है, लाइट नहीं दे रहा है। एक जगह का नाम क्या है? भगवान चौक चन्नाडी कटिहार। इसीलिए जाम लगाया गया है? इसीलिए लगाया गया। हटेगा कब तक? जब तक हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तब तक हटेगा। मांग क्या है? मांग यही है, ट्रांसफार्मर को अलग कर दे, ट्रांसफार्मर को अलग कर दे, उस एरिया का जो है अलग कर दे। अच्छा, ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा वीडियो करके दे आ गया वीडियो।